हरे कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स, नीत कृषि क्रिएशन में आपका स्वागत है। और देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये 10 नंबर गोपाल जी के लिए स्वेटर बनाएंगे। नेक से बनाना स्टार्ट किया है, यहाँ से हमने इसमें हमने 32 फंदे डाले हैं और यहाँ पे हमने ये मोती लगाए हैं। इसमें ये आप बटन लगा लीजिएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें फंदे डाल लिए हैं, हमने इसमें 32 फंदे डाले हैं। तो हम इसे बुनना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम बुनते जाएंगे। हमें यहाँ उल्टी उल्टी 10 सलाइयाँ बुननी है। तो चलिए हम इसे बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी पहली सिलाई जो कंप्लीट कर ली है, अब हम इसकी सेकंड रो बुनते हैं। तो हम ऑरेंज कलर लगाएंगे, तो इस तरह से ये फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर हम ये दूसरे कलर का ये धागा लगाएंगे। इसमें उल्टी साइड से हमें ये धागा लगाना है। तो ये सिलाई भी, इसकी भी हमें दो रो बुननी है, फिर हमें ब्लैक वाले की दो रो बुननी है। इस तरह से हम, चलिए फ्रेंड्स हम इसे बुन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 10 रो बुन ली है। 1 2 3 4 5 5 लाइनें हैं, तो इसमें हमने 10 सिलाई बुन ली है। हमने उल्टी सिलाई ये वाली बुन के आ गए। अब हम इधर से इसमें जाली बनाएंगे। जाली बनाना शुरू करेंगे। तो हम पहला फंदा बिना बुना लेके धागा आगे करेंगे, फिर हम इसमें 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। बाकी हम आगे ऑरेंज कलर से बनाएंगे। ये 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए और हम अब करेंगे इसमें 1 2 3 3 फंदे बुने, धागा आगे, फिर जाली बनाना है, फिर धागा आगे, हमें जाली बनाना है। इस तरह से 2 जाली है बनाना है। अब हमें बीच में बुनने 1 2 3 और 4 फंदे, धागा आगे किया है, फिर जाली बनाएंगे, धागे आगे किया है और हम जाली बनाएंगे। ये हमारा आगे वाले हिस्से में ये हमारी आस्तीन आएगी। अब हम ये पीछे वाले में बुनेंगे फंदे 1 2 3 4 5 और 6। पीछे वाले हमने 6 फंदे बुने, फिर धागा आगे किया है। इस तरह से हमने इसमें जाली बनाई, धागा आगे किया हमने, फिर जेब में। अब हम बुनेंगे इसमें 1 2 3 और 4 फंदे, धागा आगे किया, जाली बनाई, धागे आगे किया। देखिए फ्रेंड, तो हमने इसमें 4 फंदे बुने, एक जाली वाला फंदा हमारा ये, रहा एक जाली वाला फंदा। इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करते हैं। बना लिया और हम उल्टी सिलाई 3 और 4, धागा आगे पीछे किया 1 2 3 और 4, पहले 3 फंदे थे अब 4 हो गए, धागा आगे किया, इस तरह से फिर उन लिया, फिर धागा आगे किया, इस तरह से उन लिया 1 2 3 4 और 5, पहले इसमें 4 फंदे थे हो गए अब 6 फंदे, धागा आगे किया, इस तरह से धागा आगे किया, ये जाली बनती जाएंगी हमारी 1 2 3 4 5 6 8 9। अब धागा आगे किया, एक बुन दिया, धागा आगे किया और फिर बुन दिया। धागा आगे किया, इस तरह से बुन लिया, फिर धागे आगे किया, बुन लिया 1 2 3 4, 4 फंदे हो गए इसमें हमारे। आगे धागा किया, हमें ये उल्टे उल्टे 4 फंदे बुनने हैं 1
दो तीन और चार। अब हम उल्टी सिलाई बुन लेते हैं। अब ये उल्टी सिलाई बुनते हैं, इसके बाद आगे बताएंगे आपको। तो देखिए हमने ये उल्टी सिलाई बुन ली है। अब हमें इसमें दो जाली बना दी है हमने इसमें, और अभी हमें छह जाली और बनानी है। इसे जाली को बनाने के बाद में आपको बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें आठ जाली बना ली है। इस तरह से देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ। तो हमने आठ जाली बना के कंप्लीट कर लिए। अब हम इसमें आगे का हिस्सा अलग करेंगे, पीछे का अलग, इस तरह से करेंगे। तो चलो पहला फंदा इसी तरह से बिना बुना लेते हैं। फिर चार फंदे हम उल्टे बुन लेते हैं इस तरह से। अब हम ये आगे वाले फंदे, अब हमें जाली नहीं बनानी है इसमें, आगे वाले में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह फंदे हो गए। और ये जाली वाला फंदा बीच का है, ये वाला भी हम इसमें आगे वाले में कर देते हैं। तो ये हमारा आगे वाला हो गया। अब हमें इससे हमारे आसिन बनेंगे, एक दो तीन चार छः पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस। और ये जाली बनी जिसमें वो वाला मिला के हमने ये बीस फंदे स्लीव्स में कर लिए हैं, आस्तीन में कर लिए। तो अब हमें यहाँ से सबसे वो आस्तीन को बनाना है, इसके हम आस्तीन बनाएंगे। ये फंदे हम आगे के बाद में बुनेंगे। तो इस तरह से हम इस आस्तीन को बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से हम बुनेंगे। अब हमने इसमें दो सिलाई बुन ली है इस तरह से। अब हम चलिए कुछ सिलाई बुनने के बाद हम आपको आगे बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने स्लीव्स में हमने इसमें सत्रह सिलाई बुन ली है। हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो इसकी लंबाई हो गई है यहाँ से मिला के साढ़े चार इंच। देखिए ये हमने दो सिलाई बुन ली है। अब हम उल्टी सिलाई पर ब्लैक वाला धागा लगा लेते हैं। चलिए हम ये वाली उल्टी उल्टी हम छह सिलाई बुनेंगे, उसके बाद आपको आगे बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम ये छह सिलाई बुन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने उल्टी उल्टी ये छह सिलाइयाँ बना ली हैं, और इस आस्तीन में हमने चार फंदे घटाए हैं। एक फंदा हमने यहाँ घटाए हैं, एक एक, और एक एक फंदा हमने यहाँ घटाया है। तो हमने इसमें चार फंदे घटाए हैं। अब इसे हम पूरा बंद कर देते हैं। इस तरह से हम फंदा वाले बुनेंगे, फिर एक फंदा इसमें लेंगे, फिर दो फंदे लेके देंगे। एक फंदा बुन के जो आया फिर वो इसमें लेंगे, सिलाई में लेंगे, दो फंदे लेंगे, इस तरह से हम बंद कर देंगे। एक फंदा इसमें लेंगे, फिर इस तरह से कर देंगे। ये फंदा जो आया हमारा इसे सिलाई में लेंगे, इसके साथ हम दो फंदे लेंगे और बंद कर देंगे। इस तरह से इसमें लेंगे, और जो फंदा हमारा बुन के आया हम इसमें लेंगे, इसी तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला फंदा बुन के जो आया इसमें लेंगे, दो फंदे लेके बुनेंगे। बुनने के बाद जो फंदा आया सिलाई में लेंगे, इसे जैसे हम इसे बुन देंगे। इसी तरह से हमने ये फंदे पूरे बंद कर दिया है। देखिए इस तरह से हमारी स्लीव्स बन के रेडी हो गई है।
देखिए अब इससे हमने खींच के वाला फंदा बड़ा करते हैं और इसमें से ये धागा निकाल के इसे इसमें इस तरह से ये नॉट लग जाएगी और हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं। ये फ्रेंड्स ये स्लीव्स बन गई है। अब हम ये धागा यहाँ से लगाएंगे और ये वाले फंदे इस तरह से हम इसे बुनते जाएंगे। अब पीछे वाला पार्ट जो है उसके बुन रहे हैं पीछे पे लेके, तो इस तरह से हम बुनते जाएंगे 22। इस तरह से इसमें हमारे 22 फंदे हैं। अब हमारे ये स्लीव्स के फंदे आए, ये वाले हमारे स्लीव्स के फंदे हैं। तो अब इन फंदों का अब हम दूसरे वाले स्लीव से बुन के रेडी करेंगे। यहाँ से जाली वाला फंदा हमें स्लीव्स में लेना है, तो इस तरह से बुनते जाएंगे हम। ये जाली वाला फंदा हमने आगे वाले पार्ट में रखा है, तो अब इस तरह से हम इसे घुमाएंगे। पहले हमें स्लीव्स रेडी करनी है बुन के, तो हम पहले स्लीव्स को बुन लेते हैं, उसके बाद हमें बैक और फ्रंट के पार्ट बुनने हैं। ये जाली वाला फंदा हमने उधर वाले में भी स्लीव्स में लिया है, तो इसमें भी स्लीव्स में लेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्लीव्स हम स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। जैसे ये वाली स्लीव्स बनाई है हमने, इसी तरह से हमें इसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों स्लीव्स बना लिए इस तरह से, तो धागा कट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ से धागा लगाएंगे, क्योंकि हमने इसमें भी एक रो बनाई है, इसमें भी बनी है, अब इस वाले में नहीं बनी है, तो हम यहाँ से ही धागा लगाएंगे इस तरह से। जैसे हम इसे बुन लेते हैं, ये हमारे उल्टे फंदे हैं। हमने इधर बटन के लिए जाली बनाई है, बटन लगाने के लिए जाली बनाई है इसमें। अब हमें इस तरह से इसे हम तो पहला फंदा बिना बुना लेंगे, अब पूरा हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। अब हम ये हमारा आगे का है, ये हमारी आरसी ना, अभी हम पीछे, अब इस तरह से हम इसको आपस में इसको जोड़ देंगे इस तरह से। अब ये वाला पीछे वाला भी हमने कर लिया, अभी हमारा बचा आगे वाला। इसी तरह से हम इसे भी इसी में बुन लेते हैं, इस तरह से इसे ज्वाइन कर लें इसी में। देखिए हमने इस तरह से इसको ज्वाइन कर लिया। अब हम इसे पहला फंदा उतारेंगे, चार फंदे हम तीन अब हम। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम इसे, ये हमारे इस तरह से आएगा, इस तरह से धागा खींच देंगे, इसे बुन लेते हैं। इस तरह से हमें उल्टी सिलाई, सीधी सिलाई, उल्टी सिलाई, फिर सीधी सिलाई। जब हमारा कंप्लीट होने को होगा तब हम बॉर्डर बनाएंगे, दो उल्टी दो सीधी, दो उल्टी उल्टी सिलाई का। फ्रेंड्स अब हम बुन लेते हैं, ये हमारी स्लीव्स की जगह रह गई है। इस तरह से हम इसे देखिए, हाँ हमारी यहाँ पे तीन सिलाइयाँ हो गई, जुड़ गया है। इस तरह से हम आगे को सिलाइयाँ बुन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने 4 इंच तक बुन लिया, हमें ये लगभग 5-5.5 इंच तक ही बुनना है, 5 सवा 5 सौ। तो अब हम यहाँ से साइडों से थोड़ा खुला छोड़ेंगे, तो हम ये उल्टी वाली सिलाई बुनते हुए
फ्रंट के पार्ट के फंदे बुन लिए हैं ये वाले। अभी इस तरह से हम ये धागा आगे करेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे तो यहाँ हम तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे इस तरह से। हमें यहाँ साइड से खुला छोड़ना है, थोड़ा कुर्ता बनाना है। देखिए हमने एक सिलाई कंप्लीट कर ली है, यहाँ हमें बस दो सिलाइयाँ बुननी है, तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, सीधा बुनना है इस तरह से। अब हम इधर से यहाँ से ब्लैक वाला धागा लगा लेते हैं इस तरह से। ये वाला फंदा, पहला फंदा बिना बिना लेके आगे करके उसमें ये वाले धागा लगा लेते हैं और इसको हम इस तरह से ऐसे वही पहला फंदा बिना बुना लेना है। चलिए इस अब तो हमें उल्टी उल्टी सिलाई है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से ये वाला धागा कट कर लेंगे इस तरह से। तो हमें ब्लैक वाला धागा लगाना है। इस धागे का काम यहाँ ख़त्म हो रहा है। इसे हमें इसमें इस तरह से दबाते हुए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक दो तीन चार पाँच 10 रो बना ली हैं इस तरह से। अब फंदा हम इधर घुमा के धागे इधर करेंगे। इसे हम एक बार बुन लेते हैं इस तरह से। हम इसे दो फंदे का एक फंदा करते जाएंगे इस तरह से। एक फंदा लिया, इसमें डाला, दो का एक कर दिया, ये फंदा सिलाई में डाला, एक कर दिया तरह से। इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर देंगे। देखिए जैसे हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से खींच के इसमें से गोला निकाल के धागे यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। हम इसी तरह से बैक और फ्रंट वाला पार्ट जो रह गया है हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये वाला भी बुन लिया है, ये वाला भी बुन लिए, तीनों बुन के रेडी कर ले। ये स्लीव्स है हमारी। तो हम इसका मेजरमेंट करके दिखाते हैं। यहाँ से देखिए ये 5.5 इंच का है, स्लीव्स हैं 5 इंच की। देखिए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। ये धागा जो है हम इस तरह इसमें स्टिचिंग करेंगे, इसमें लपेट देंगे। देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ पे ये धागा हमारा है, हमने इसे जहाँ स्टार्ट किया था इसे हम इसे नॉट लगा देते हैं। देखिए हमने ये वाली स्लीव सिल के रेडी कर ली है इस तरह से है। अब हम ये दूसरी वाली स्लीव से स्टिच कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड, हमने ये वाली स्लीव भी स्टिच कर ली है, अब इसे सीधा कर लेते हैं। ये जो धागे दिख रहे हैं ये, इसे हम सुई से इस तरह से अंदर कर देंगे। इस तरह से धागा डाल के उसे देखिए इसमें अंदर हो गया, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसी तरह से ये वाला कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये स्वेटर रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।